नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं अमित कुमार। बेगूसराय में इन दिनों अपराधियों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और अभी जो है आज भी बहुत से इलाके बढ़ते हैं। ये मुंगेरगंज है और यहाँ पर स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ जो है अपराधी हथियार के साथ दुकान पर प्रवेश किया और उनके साथ लूटपाट घटना को अंजाम दिया है। आइए उन्हीं से हम जानते हैं किस तरह घटना अपराधियों को अंजाम दिया था, क्या ले जाओ। अरे लेकिन गोली चली नहीं। अगर गोली चल जाती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और बात करें कि बेगूसराय में लगातार बेगूसराय के जो एसपी हैं उन्होंने लगातार बता रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है लगातार गश्ती तेज कर दी है। लेकिन जिस तरह से ये इस समय गश्ती की का समय रहता है और इस समय इस तरह की घटना हुआ भी पौस इलाके में जहाँ के लोग का आना जाना लगातार बना हुआ रहता है, उस जगह पर इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर भी एक सवाल खड़ा करती है। यहाँ पर भी और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज इस तरह घटना हुई आपके बराबर हो रहा है, कहीं 6 बजे कहीं 9 बजे कहीं 12 बजे हो रहा है। ऐसा ऐसा घटना हम लोग दो मरते पर निवेदन देखते हैं। पुलिस का बैठक में भी हम लोग जा चुके हैं, सबके आश्वासन मिला है और पूछा यहाँ पे एक भी घूंचाघोर नहीं दिया गया इस मामला में। जबकि बोले थे एसपी साहब को कि उस चौक पर इस चौक पर जो है सुरक्षा फोर्स हम देंगे, लेकिन अभी तक एक भी आप लोग भी देख रहे हैं कि एक पुलिस आई है अभी घटना के बाद। यहाँ नहीं आई है ना? अभी तक नहीं आई, अभी तक यहाँ नहीं आई। सूचना है कि बाजार जाम हो रहा है, बाजार जाम हो रहा है, उन जब देखेंगे जाम होगा। कितना देर पहले घटना घटी थी? घटना घटी है 4 बजे, लेकिन अभी तक पुलिस यहाँ नहीं आई है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम लोग तो पूरा दहशत में आ गए हैं भैया। हम तो उसके जीने मरने का सोच लिए हैं। जितने दुकानदार हैं, जितने भी कारीगर हैं, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और प्रशासन को यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पे हर हाल में आना पड़ेगा। अगर नहीं आती है पर वो अपराधी नहीं पकड़ाता है, कल से मेन रोड जाम होगा। हम लोग और हम लोग आपके माध्यम से फिर प्रशासन को जगाना चाह रहे हैं कि हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोगों का संख्या है हजारों में है। 2000-5000 आदमी जुट जाएंगे, 5000 आदमी पूरे रोड को बंद कर देंगे और प्रशासन को घुटना टेकना पड़ेगा, हर हाल में टेकना पड़ेगा। हम लोग कैसे जिएंगे? यहाँ पर करोड़ों करोड़ों का कारोबार होता है, लोग कैसे कारोबार करेंगे? लड़ाई आपकी किससे है, बदमाश से कि प्रशासन से? प्रशासन बदमाश तो है, बदमाश होता है साहब, उसको तो खुद डरपोक होता है। प्रशासन अगर चौकस रहे, अगर वहाँ पर चौक पर पुलिस रहता दो ठो और इस चौक पर बजा ले तो घुस जाएगा। आप लोग टैक्स पेयर है, प्रशासन ऐसा रवैया क्यों अपना रहा है? ये तो प्रशासन से पूछिए, हम लोग टैक्स पेयर है, ऐसे पहले भी बहुत बैठ दे चुके हैं। इस प्रकार का ही विरोध क्यों होता है? आगे का प्रोसेस प्रशासन के ऊपर, न्यायालय है, न्यायालय के ऊपर और भी संस्था है, तो आप लोगों का ये कदम न्यायालय में जा घूमने के लिए भैया आप बताइए। नहीं, पुलिस के भागीदार है, पुलिस के दुकानदारी करने के भागी है, हम लोग टैक्स देने के भागीदार है। हम लोग देखते हैं किधर से चोर आ रहा है, किधर से चक्का रहा है, यही काम हम लोग का है। पुलिस के रवैया से आप लोग क्षुब्ध दिख रहे हैं। बिल्कुल क्षुब्ध है। और किसके लिए बैठे हैं? हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षा कौन देगा? प्रशासन देगा। अमेरिका का आदमी तो आएगा नहीं, पर हम लोग को सुरक्षा देने के लिए बिहार का सरकार ही देगा सुरक्षा। नीतीश कुमार देगा सुरक्षा, यहाँ का एसपी देगा, यहाँ का डीएम देगा, यहाँ का थाना प्रभारी देगा, और कौन देगा? क्या मांग है अभी आपकी? क्या मांग? हमारा मांग है जो इन पर हमला किया उसको तुरंत गिरफ्तार करे, चाहे जहलुम से खोज के पुलिस लावे।
तब तक कुछ हम लोग का आक्रोश ठंडा होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तो प्रमोद है। नहीं तो कल से बहुत ज्यादा उग्र होगा। अब जाग गया सब सुनार, सुन लीजिए, सब जाग गया। पहले दुकानदार था, कारीगर, अब बंदर से ना गया है, बंदर से, समझ रहे ना? अब बवाल होगा। इनकलाब जिंदाबाद।